नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज ऑन इट। तो कैपेसिटेंस क्या होते हैं बेटा, किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी होती है कि कितना चार्ज वो अपने ऊपर क्या कर सकता है बेटा, स्टोर कर सकता है। व्हेन ए कंडक्टर इज चार्ज देन इट्स पोटेंशियल राइजेज। जैसे जैसे हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। द इंक्रीज इन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इसको समझते हैं। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है और हम यहाँ पर ले रहे हैं, मान लो हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इस कंडक्टर को यदि मैं क्यू चार्ज दूंगा तो उस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। यदि हम इसको चार्ज करते जाएंगे, इस चार्ज की वजह से क्या होगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। तो इसको समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बेटा किसके इक्वल होता है, 1/4πε0 Q/R। तो जैसे जैसे क्यू इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा यहाँ पर पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चार्ज, जैसे जैसे हम चार्ज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा यहाँ पर पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को यदि हम रिमूव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हम कॉन्स्टेंट लेते हैं उसको लिखते हैं बेटा सी से, और ये सी ही क्या है बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो ये जो हमने कॉन्स्टेंट लिया बेटा ये क्या है, कॉन्स्टेंट, और ये क्या बताएगा हमें, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये क्या बताएगा बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो यहाँ से हमारे पास जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा, कैपेसिटेंस किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, फॉर्मूला किसका बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब यहाँ पर यदि हम डिफाइन करना चाहें कैपेसिटेंस को, तो कैपेसिटेंस क्या होगा बेटा, कैपेसिटेंस, सो वी कैन राइट कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज्ड इट्स पोटेंशियल बाय 1 volt। तो ये क्या होगा बेटा, किसी भी कंडक्टर के क्या होगी, कैपेसिटेंस होगी। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, यदि हम यहाँ पर पोटेंशियल को क्या पुट कर दें बेटा, 1 unit, यदि पोटेंशियल को हम क्या रखें, 1 unit, तो जितना चार्ज जो है उसका यूज होगा टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 volt, तो उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है बेटा द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। तो यदि हमारे पास जो है एक स्फेरिकल कंडक्टर है उसके लिए कैपेसिटेंस क्या होगी, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपने याद रखना बेटा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, सी इज इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपने याद रखनी बेटा, कैपेसिटेंस जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि किस किस पे डिपेंड कर रही है, चार्ज पे, चार्ज की ऐसी क्वांटिटी है स्केलर, और पोटेंशियल ये भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो अल्टीमेटली यहाँ पर कैपेसिटेंस भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी जो यूनिट है वो कैसी है, क्या होगी बेटा, फेराड। तो ये क्या रहेगी इसकी यूनिट, लेकिन यहाँ पर जो प्रैक्टिकल यूनिट हम यूज़ करेंगे वो क्या होती है बेटा, माइक्रो फेराड, और ये किसके इक्वल होगी, 10^-6 फेराड के इक्वल होगी। तो मेनली जो हम यूज़ करेंगे या प्रैक्टिकल जो हमारी यूनिट होती है वो कितनी होती है, माइक्रो फेराड। फेराड बहुत बड़ी यूनिट होती है, माइक्रो फेराड हमारी स्मॉल यूनिट होती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। व्हेन ए चार्ज क्यू इज गिवन टू आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल राइजेस। तो हम यदि यहाँ पर एक कंसिडर करते हैं एक स्फेरिकल सेल, तो सपोज यहाँ पर एक हमारे पास क्या बेटा, एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इसकी जो रेडियस है सपोज वो आर है। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो कितनी है बेटा, आर। तो यदि हम इसको चार्ज देंगे तो उस चार्ज की वजह से क्या होगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, 1/4πε0 Q/R।
तो जैसे जैसे इसका चार्ज हम देंगे वैसे वैसे क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हम वी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका कैपेसिटेंस वी की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/4 πε0 इंटू क्यू बाय आर। तो यहाँ से क्यू से क्यू कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस आएगा 4a स्फेरिकल कंडक्टर, तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा 4πε0 इंटू आर। तो ये क्या होगा बेटा 4/4 कैपेसिटेंस ड्यू टू आ स्फेरिकल कंडक्टर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, यदि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, यदि हम कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं अर्थ का, तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ये किसके इक्वल होगा बेटा, यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यू 4πε0 इंटू आर रेडियस ऑफ अर्थ। और रेडियस ऑफ अर्थ किसके इक्वल होती है बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर। और हमारे पास जो कॉन्स्टेंट है बेटा 1/4πε0, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है बेटा 9×10⁻¹। तो यहाँ से हम 4πε0 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो 4πε0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ से 1/9×10⁻¹। और हमारे पास जो 6400 किलोमीटर है इसको हम लिख सकते हैं बेटा 6.4×10⁻³ × 10⁻³ मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 6.4×10⁻⁶ मीटर। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे बेटा, तो हमारे पास 1/9×10⁻⁶ × 6.4×10⁻⁶, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 711 μF। तो ये क्या होती है बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग पोटेंशियल कीपिंग द चार्ज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा, सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है बेटा दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो यदि हम कैसे भी करके पोटेंशियल को क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको समझते हैं, सपोज हमारे पास एक जो है सीट है और इस सीट के ऊपर जो चार्ज है वो क्यू है। सपोज हमारे पास एक सीट है और इस सीट के ऊपर जो है चार्ज क्या है, क्यू है। तो मैक्सिमम चार्ज जो इसके ऊपर आ सकता है वो सपोज यहाँ पर क्या है बेटा, क्यू चार्ज जो है इसके ऊपर क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज होगा। और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो होगा सपोज वो कितना है बेटा यहाँ पर 100 वोल्ट है। कितना को पोटेंशियल है यहाँ पर 100 वोल्ट है। अब इसको मान लेते हैं हम सीट ए, इसकी नेमिंग हम कर देते हैं, ये हमारे पास क्या बेटा सीट ए है। अब यहाँ पर चूंकि कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना है बेटा 100 वोल्ट है। तो यदि हम इसका कैपेसिटेंस निकालें बेटा, तो यहाँ पर जो सीट ए का कैपेसिटेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, चार्ज बाय पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कितना है बेटा 100 वोल्ट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा। सपोज़ यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, एक सीट और प्लेस कर देते हैं जो कि कैसी है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक सीट को प्लेस किया और यहाँ पर इस सीट की नेमिंग हम कर देते हैं बेटा, सपोज ये हमारे पास है सीट बी और ये जो है यहाँ से आर डिस्टेंस दूर है, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं सपोज R1 डिस्टेंस है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस सीट के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, इंड्यूस हो जाएगा। इस साइड में क्या है, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और इसके जो राइट साइड में है पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, इंड्यूस हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, जहाँ पर क्या होता है बेटा कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, और नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, पोलराइजेशन हो जाता है, एक साइड जो है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है और दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब हमें जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बेटा, पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। अब जितना डिस्टेंस होगा उतना ही, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम क्या होगा बेटा, पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल और आर दोनों क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो यहाँ पर यदि क्यू चार्ज है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस क्यू चार्ज होगा, और इधर कितना होगा प्लस क्यू चार्ज होगा। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है बेटा ये क्या है आर वन डिस्टेंस है, तो इसके लिए जो पोटेंशियल होगा पोटेंशियल एट ए बाय बी, तो ए पर बी की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा। अब यहाँ पर दोनों चार्जेस की वजह से होगा, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से और एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो यहाँ पर जो है एक हम लिख देते हैं के माइनस क्यू बाय आर वन और प्लस के प्लस क्यू बाय आर टू। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है हम क्या मान लेते हैं बेटा आर टू मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए R1 और R2 में क्या रिलेशन है बेटा, R1 जो है दैट इज़ लेस देन R2, तो R1 जो है वो क्या है बेटा छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा ये वाला जो पोटेंशियल है पोटेंशियल ड्यू टू जो है नेगेटिव चार्ज ये क्या होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि R1 क्या है कम है, तो जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा कम होगा उसी का पोटेंशियल क्या होगा ज़्यादा होगा, जैसे हमने यहाँ से समझा। तो इस नेगेटिव पोटेंशियल क्या होगा बेटा ज़्यादा, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, और यहाँ पर क्या होगा बेटा पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, तो यहाँ पर माइनस क्यू वाला पोटेंशियल क्या होगा ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब अल्टीमेट जो रिजल्ट आएगा कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा नेगेटिव। तो हम ये मान लेते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो ये हम मान लेते हैं बेटा 20 वोल्ट, और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इसको हम मान लेते हैं मान लीजिए -40 वोल्ट। तो अब यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल होगा आफ्टर अप्लाइंग दिस सीट नियर द कंडक्टर, तो यहाँ पर यदि हम टोटल पोटेंशियल देखें हम वी टोटल, तो पहले कितना पोटेंशियल है बेटा 100, और 100 में क्या हुआ बेटा ऐड हो जाएगा कितना 20, और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कितना 40, तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पर पोटेंशियल बचेगा सिर्फ और सिर्फ 80 वोल्ट। तो यहाँ पर जैसे ही पोटेंशियल क्या हुआ, अब यहाँ पर कैपेसिटेंस एट ए डैश मान लेते हैं इसको, अब यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाए बेटा क्यू डिवाइड बाय 80 वोल्ट। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा कैपेसिटेंस जो होगा ए डैश ये कब आया, जब हमने एक सीट को इसके पास प्लेस किया, ये ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटेंस ऑफ सीट ए विदाउट एनी सीट नियर द कंडक्टर। तो यहाँ पर जो है इस सीट को प्लेस करने की वजह से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बेटा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब पहले इस पे मान लेते हैं हम क्यू चार्ज यहाँ पर प्लेस कर जा रहे थे, अब क्यू से ज़्यादा चार्ज इस कंडक्टर के ऊपर हम प्लेस कर सकते हैं। अब इसमें और भी हम कर सकते हैं, सपोज हम क्या करें बेटा इस सीट को जो है सीट बी को इसकी हम कर देते हैं अर्थिंग, यदि हम इसकी अर्थिंग कर देंगे तो अर्थिंग की वजह से क्या होगा ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से फिनिश आउट हो जाएगा, मतलब अर्थ में चला जाएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं बेटा रिमूव कर सकते हैं। तो यदि पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल था वो भी नहीं होगा, और यदि पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नहीं होगा तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से अब यहाँ पर इसको मान लेते हैं सी ए डबल डैश, और इस केस में हमने क्या किया सीट बी को अर्थिंग कर दिया, तो उस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा क्यू बाय यहाँ पर 100 वोल्ट पहले था बेटा, और 100 में से माइनस 40 हो जाएगा तो कितना बचेगा क्यू बाय 60 वोल्ट, तो यहाँ से सी ए डबल डैश बढ़ जाएगा। तो इससे कम कैपेसिटेंस किसका रहेगा बेटा जो है कैपेसिटेंस ऑफ ए डैश का, और सबसे कम कैपेसिटेंस किसका रहेगा सिंपल जो हमने सीट ली थी उसका कैपेसिटेंस रहेगा। तो इसका मतलब यदि हम किसी एक चार सीट के पास एक कंडक्टर को न्यूट्रल कंडक्टर को प्लेस करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है बेटा इंक्रीज हो जाता है, और यदि उस न्यूट्रल कैपेसिटर कंडक्टर को भी हम अर्थिंग कर देंगे तो उससे क्या होगा उसका कैपेसिटेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन हमारे पास हुई इस फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा कैपेसिटर, और इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा चार्ज जो है प्लेस कर सकते हैं।